वेलकम टू तर्काविद भावना। तो आज हम बनाने वाले हैं एक कप से एक किलो गुलाब जामुन, और वो भी बहुत टेस्टी, डिलीशियस एंड इजी तरीके से बन जाने वाले। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं चाशनी बनाऊंगी। तो मैंने एक बाउल में एक कप चीनी और एक कप ही पानी लिया है, और जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए तो इसी तरीके से हमें स्लो फ्लेम पर चलाना है। तो दूसरी गैस पर हम पैन रख लेते हैं और इसमें डालते हैं एक कप दूध, और गैस को ऑफ ही रखना है, गैस को चालू नहीं करना। तो इसमें दूध डालने के बाद हम इसकी जो गैस है वो बंद ही रखेंगे, अभी ऑन नहीं की है, और इसमें ही डालेंगे हम एक कप मिल्क पाउडर। यही है जो एक कप मिल्क पाउडर से हम बहुत सारे गुलाब जामुन बनाएंगे। मिल्क पाउडर आसानी से मिल जाता है बाहर, तो गैस को हमने ऑफ ही रखा है और मिल्क पाउडर हम इसमें डालकर अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि अगर हमने गैस ऑन पर हमने मिल्क पाउडर डाला तो इसके गाँठे बन जाएंगी, तो इसलिए हम लोग गैस ऑफ कर मिल्क पाउडर को मिलाएंगे। यहाँ हमारी चाशनी रेडी हो रही है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल रेडी है। बस सिर्फ चीनी मेल्ट होनी है और हमारी चाशनी रेडी हो जाएगी। इसमें कोई वन टार टू टार नहीं होता, तो बस हमें बस चाशनी में जो चीनी है वो हमारी मेल्ट हो जानी चाहिए और हमारी चाशनी रेडी हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं, अब हमने गैस ऑन की है और अब इसे अच्छी तरीके से हम इस तरीके से मिला देंगे और हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है। तो इसे गैस ऑफ कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच घी, क्योंकि हमारे मिल्क पाउडर में फैट नहीं होता, तो इसलिए हम फैट लाने के लिए इसमें 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। तो ये हमारे जब तक मिलाते रहेंगे जब तक हमारा ये जो मिल्क पाउडर है वो गाढ़ा ना हो जाए। तो ये देख सकते हैं, ये जब तक कढ़ाई ना छोड़ दे, बिल्कुल एक डो में ना आ जाए, तो अब तक हमें इसे पकाना है और स्लो फ्लेम पर ही पकाना, नहीं ज़्यादा तेज़ आँच होगी तो हमारा जो मिल्क पाउडर है वो जल जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये गाढ़ा बहुत हो चुका है, तो इसे हम इसी तरीके से लगातार अभी भी चलाएंगे। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए, थोड़ा ठीक होनी चाहिए, तो तभी तक हम इसे पकाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये और भी गाढ़ा हो चुका है। इसी तरीके से आपको लगातार चलाते रहना है और ये जो कढ़ाई पर मिल्क पाउडर है उसे छुटाते जाना है स्पैचुला की हेल्प से। और ये हमने एक्स्ट्रा मिल्क पाउडर डाला है। अगर आपको लग रहा है कि हमारा जो पेस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा पतला हो चुका है तो आप मिल्क पाउडर ज़रूर डालिएगा। और मिल्क पाउडर डालने से थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर, जैसे मुझे लगा कि मिल्क पाउडर की नीड है तो हमने मिल्क पाउडर डाला, इसी तरीके से आप लोगों को भी डालना है। तो मैं इसे चलाती रहूँगी और थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगी। और ये देख सकते हैं हमारी जो कढ़ाई जो है उस पर नहीं चिपक रहा अब, और बिल्कुल ये मतलब एकदम से ना कढ़ाई को छोड़ने लगा है। तो इसी तरीके से हमें पकाना है। तो इसे अभी भी थोड़ी देर लगातार चलाते रहेंगे और स्लो फ्लेम पर ही चलाएंगे, जितनी टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा, लेकिन इसे स्लो फ्लेम पर ही चलाना है। और अब मैं दोबारा इसमें घी डालूँगी, तो एक बड़ा चम्मच मैंने घी डाला है और इसे फिर मिला देंगे, जिससे जो भी हमारी जो कढ़ाई पर अभी चिपक रहा था वो भी इससे हट जाएगा अब। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल चिकना हो चुका है और ये कढ़ाई पर नहीं चिपक रहा, तो इसी कंसिस्टेंसी पर हम उसे नीचे उतार लेंगे और ये देख सकते हैं इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो इसी तरीके से चलाते रहेंगे और ये देखिए ये बिल्कुल इस तरीके से हम इसे चलाएंगे तो हमारा जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा, 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर, हल्का सा बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर ही डालना है। और अब हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मैदा, और इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और मैदा डालेंगे। तो आप लोग पूरी रेसिपी देखिएगा कि हमने कितना मैदा डालना है। तो इसे इस तरीके से मिलाएंगे। तब तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अगर रेसिपी पसंद आ रही हो और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और ऐसी रेसिपीज जानने के लिए आप लोग मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इसी तरीके से इंस्टेंट रेसिपीज शेयर की है, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा।
बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक चम्मच और मैंने मैदा लिया था। इसी तरीके से आप लोगों को देखकर मैदा ले लेना है और इसे मिला देना है। तो मैंने कुल 2 बड़े चम्मच मैदा डाला है और इसे अब बिल्कुल डो की तरह हमारा ये बिल्कुल बन रहा है। तो इसी तरीके से हम डो बना लेंगे इस स्पैचुला की हेल्प से। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल मिक्स कर लिया है और ये हम अब देख सकते हैं हाथ से टच हो रहा है। तो ये ठंडा होने के बाद आप हाथ से टच हो जाए तब हम गोले बनाएंगे। तो इसके हमने छोटे शेप में हमें हाथों की हेल्प से जैसे रसगुल्ले बनाते हैं या गुलाब जामुन बनाते हैं उसी तरीके से हम इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सारे गुलाब जामुन मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ। और अब हम रखेंगे गैस पे कढ़ाई और उसमें डालेंगे ऑयल और इसे थोड़ी देर गर्म होने देंगे। तो तब तक हमारी ये सारी गुलाब जामुन रेडी हो जाएंगे। तो ये सभी इसी तरीके से बना लेने हैं और इतनी ईजी रेसिपी तो कोई नहीं बताएगा। बस मिल्क पाउडर की नीड थी और कोई नीड नहीं थी और ना ही आपको ब्रेड की, ना ही सूजी के गुलाब जामुन। और अगर आपको ये भी जानने हो ब्रेड के गुलाब जामुन या सूजी के, तो आप लोग मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं, मैंने सारी वीडियोस शेयर की है। तो इसी तरीके से हम सारे गुलाब जामुन कढ़ाई में डाल देंगे और जो तेल था वो हमारा थोड़ा हल्का गर्म था उसी पर डालना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना हमें। और सारे हम डीप कर देंगे गुलाब जामुन। और मैं चाशनी में डाल रही हूँ केसर, अगर आपको डालना हो तो डाल सकते हैं केसर। और मैं इसी तरीके से सारे गुलाब जामुन गोल्डन ब्राउन होने तक सेकूंगी। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है और जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक आप स्लो फ्लेम पर इसको सेकेंगे और उसके बाद आप फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तो तेज नहीं करनी है, हाई तो बिल्कुल नहीं करनी, मीडियम और स्लो के बीच में ही रखना है आप लोगों को। और ये हमारे गोल्डन ब्राउन मतलब थोड़े मैंने डार्क ब्राउन कर दिए हैं, तो मुझे तो डार्क ब्राउन ही पसंद है। तो आपको गोल्डन ब्राउन करने हो तो गोल्डन ब्राउन तक रखिएगा। और मैंने ब्राउन मतलब अच्छे से सेकने के बाद, ब्राउन होने के बाद आप लोग इसे चाशनी में डायरेक्ट डिप कर सकते हैं। तो मैंने डिप कर दिया और ये मेरे दूसरे स्टेज में मैंने डाल दिया है। तो इस तरीके से हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल चाशनी में स्पॉन्जी बन चुके हैं और बहुत ही यम्मी बनते हैं। मैंने खुद ट्राई किया था और मेरे को पता ही नहीं चला था कि जब मम्मी ने मुझे बताया कि ये मिल्क पाउडर से है, तो यकीन मानिए इतने टेस्टी और स्पॉन्जी बनते हैं, जूसी बनते हैं कि आप लोग एक बार नहीं 1000 बार बनाएंगे। बस मिल्क पाउडर ज़रूरत होती है और कुछ नहीं, लेकिन मिल्क पाउडर भी आजकल सस्ते ही आ रहे हैं और आप लोग बना सकते हैं इजी तरीके से। इतने सारे 1 कप मिल्क पाउडर से तो नहीं कहीं मिलेंगे, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलती हूँ नई रेसिपीज के साथ। और आप लोग तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो शूट करने में।